हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी प्रजापति। अगर आपका भी आधार कार्ड खो गया है और डाउनलोड जब कर रहे हैं तो क्या आपका भी मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है? सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका भी आधार कार्ड खो गया है तो विदाउट मोबाइल नंबर आप कैसे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ आप अपना आधार नंबर से आधार कार्ड को ही घर पे मंगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपका आधार कार्ड जो है घर पे आ जाएगा। ओरिजिनल सिर्फ 50 रुपया में आपको ऑर्डर सिर्फ करना होगा। तो चलिए, हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आधार कार्ड को ऑर्डर कैसे करते हैं अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं भी है तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक हाथ जोड़कर छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट के जरिए बताएं कि आपको क्या नहीं पसंद आया है और हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। थैंक यू। हर बार की तरह सबसे पहले मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है UIDAI। दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गया है। आपको किसी एक लैंग्वेज के सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट करके आगे बढ़ गया है। उसके बाद आपको सबसे पहले माय आधार में आना है और यहाँ पे ऑर्डर आधार PVC कार्ड पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको इंटरफेस खुल के आएगा। ऑर्डर पे आधार PVC कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपसे इस प्रकार से डिटेल मांगा जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है, और आपको यहाँ पे चेकआउट करना है अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तब। देख सकते हैं यहाँ पर आप मैंने टिकआउट कर दिया है कि मेरा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है। देन आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करिएगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। देख सकते हैं OTP जनरेटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब जो आपने मोबाइल नंबर अभी एंटर किया है उस पर 6 डिजिट का एक 6 अंक का OTP गया होगा पिन। आपको वो पिन यहाँ पे एंटर कर देना है, जैसे कि मेरे मोबाइल में यहाँ पे एक पिन आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लोज करना है। एंड देन आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। देन अगर आप यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने सबमिट पे जब क्लिक किया तो आपके सामने एक पेमेंट पेज खुल के ऑप्शन आ जाएगा। आपको पेमेंट 50 रुपया कर देना है। आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। देन आपको कुछ नहीं ओके करना है। यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है। देन आपके बाद फिर से मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट पेज पे ले जाया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट पेज पे आ गया है। आप कुछ से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI बैंकिंग से कुछ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लेकिन अभी पेमेंट करके आपको नहीं बताने वाला हूँ, चूँकि मेरे को ऑर्डर नहीं करता है करना था। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। अगर आप भी करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा और आपको SRN नंबर मिलेगा। आप यहाँ पर कॉपी करके चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है, इसी से पता कर सकते हैं कि कब आना है। उसके लिए फिर से यहाँ पर चेक PVC पे क्लिक करके आपको वहाँ से SRN नंबर कॉपी किए हुए हैं पेस्ट कीजिएगा। देन आपका जो है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी फेल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करने के लिए बता देता हूँ कि अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आप इसी से प्राप्त कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कब आने वाला है। यहाँ पे आपको शो होते रहता है। देन यहाँ पे मैंने SRN कॉपी कर लिया है और कॉपी किए हुए को मैंने पेस्ट करके यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ SRN नंबर आ गया और यहाँ पे लिख रहा है करंट स्टेटस पेमेंट रिटर्न। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका यहाँ पे प्रिंटिंग इन प्रोसेस लिखेगा और उसके बाद विद इन 1 से 2 वीक के अंदर आपके एड्रेस पे, आपके घर पे जो है वो आधार कार्ड आ जाएगा। आपको पोस्टमैन आपको कॉल करेगा। अगर कॉल वॉल नहीं आता है तो आप 1 से 2 वीक के बाद आप जो है पोस्ट ऑफिस में जाइएगा और बोलिएगा कि मैंने आधार कार्ड ऑर्डर किया था। सो अगर वहाँ पे आया हुआ होगा तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ घर आधार कार्ड ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास भी एक आधार नंबर है और आपका भी आधार कार्ड खो गया है तो आप कैसे आधार कार्ड ओरिजिनल मंगवा सकते हैं। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।